नकली नोटों के जखीरे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बलरामपुर जिले की रघुनाथ नगर पुलिस की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी क्षेत्र की दुकानों में नकली नोटों को खपाने की कोशिश में लगे हुए थे। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में रघुनाथ नगर और बलंगी पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी रमेशपुर गांव के रहने वाले हैं। पुलिस की टीम ने तत्काल वहां घेराबंदी कर रामनाथ गुजर और शंकर दयाल को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने दोनों की जब तलाशी ली तो दोनों के पास से 34,500 के नकली नोट बरामद किए गए, जिसमें 2,000 रुपए के 13 नोट और 500 रुपए के 17 नोट शामिल हैं। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये नकली नोटों का जखीरा यूपी से लाया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो अन्य आरोपी राजा राम और राम शरण भी शामिल हैं और दोनों फिलहाल फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। चुनाव के मद्देनजर ही पुलिस की टीम के द्वारा लगातार माननीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशानुसार और चुनाव आयोग के निर्देशानुसार लगातार नाकेबंदी की कार्यवाही की जा रही है और सघन जांच भी की जा रही है। उसी जांच का ये परिणाम है, हमने हमारे लोगों को जो एक्टिव करके रखा हुआ है कि कहीं भी इस तरह की सूचना आती है तो तत्काल पुलिस को देंगे, उसी के कारण ये सफलता। अभी चूंकि इस प्रकरण में बहुत विस्तार में हम लोगों से पूछताछ नहीं कर पाए हैं, इनसे डिटेल्स में भी पूछताछ की जाएगी और हो सकता है जरूरत पड़े तो हम इनसे पीआर भी लेके डिटेल्स में जानकारी प्राप्त करेंगे, तब आगे हम खुलासा कर पाएंगे कि ये नोट इन लोगों को कहां से मिला, आगे जो लिंक है वो कहां से छप रहा है, उस बात के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करने का अभी इस संबंध में विस्तार से जानकारी नहीं मिली है, इसलिए हम डिटेल्स में आपको नहीं बता पाए। For more information, log on to www.clips.in.